लखनऊ नगर निगम को एक नए मुख्यालय की सौगात मिलेगी। माना जा रहा है कि फरवरी के महीने में होने वाली नगर निगम की बैठक में नगर निगम सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और बहुमत होने के कारण ये प्रस्ताव पास होना भी माना जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से नगर निगम का कामकाज पुराने भवन में ही हो रहा है। लखनऊ में और सुषमा खरकवाल का दावा है कि भवन के रखरखाव में काफी पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे में अब नगर निगम को एक नए मुख्यालय देने का प्रस्ताव जल्द नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में लाया जाएगा। अगले वर्ष तक नगर निगम को एक नए मुख्यालय की सौगात देने की तैयारी है। माना जा रहा है कि नगर निगम से प्रस्ताव पास होने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। लखनऊ में सुषमा खरकवाल ने द लीडर हिंदी को नगर निगम के नए मुख्यालय के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, इसको हम ये आरआर जो हमारा है उसी पे, हमारी बहुत बड़ी लैंड है वहीं पे तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये मुख्यालय बहुत पुराना है, जर्जर हो चुका है, इस पे काफ़ी पैसा लगता है, लेकिन अब हमने एक अपने तैयारी कर ली कि हम बढ़िया सा कार्यालय बनाएंगे, 3-4 मंजिल होगा, नीचे पार्किंग होगी, ऊपर ऑफिस, सबसे ऊपर सदन, इस तरीके से एक बन रहा है। अभी कार्यकारिणी बजट तो हमारा पास हो गया है, लेकिन सदन 1 तारीख को था, लेकिन दिल्ली में सदन था, यूपी में सदन था, तो अब हमारा सदन 12-13 तारीख को होगा। मतलब अभी डेट फिक्स नहीं हुई, जब इनका सदन समाप्त हो जाएगा तब हम अपना करेंगे, उसमें पास करके हम शासन को भेजेंगे और उम्मीद है कि हमें पैसा भी मिले। लखनऊ नगर निगम को कामकाज के लिए अगले वर्ष तक एक नए कार्यालय की सौगात उत्तर प्रदेश की सरकार देने जा रही है। माना जा रहा है कि लखनऊ नगर निगम की फरवरी माह में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाएगा। जाहिर है तकरीबन 100 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है और लखनऊ नगर निगम का जो काम है वो एक ही बिल्डिंग में हो रहा है और जाहिर है कि वो बिल्डिंग जर्जर है, रखरखाव में करोड़ों रुपए का खर्च भी हो रहा है। द लीडर हिंदी से लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल ने विशेष बातचीत के दौरान विशेष जानकारी देते हुए बताया है कि बिल्डिंग के रखरखाव में करोड़ों रुपए का खर्च आता है, जिससे अब यह फैसला लिया गया है कि इस बार की नगर निगम की होने वाली बैठक में सदन में प्रस्ताव पास किया जाएगा और प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी का मेयर होने के नाते प्रस्ताव पर मुहर लगने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और यही वजह है कि लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल का दावा है कि अगले वर्ष तक आरआर के पास नगर निगम की जो खाली पड़ी जमीनें हैं उसमें नए नगर निगम के नए प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। और जाहिर है नए प्रशासनिक भवन का निर्माण किए जाने के बाद लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल का दावा है कि रखरखाव के लिए जो खर्च आता है उसमें कमी आएगी। फिलहाल ये हमारे ठीक पीछे लखनऊ नगर निगम का वर्तमान मुख्यालय कार्यालय है, जहाँ से प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण किया जाता है, यहीं पर नगर आयुक्त और तमाम अधिकारी मेयर के साथ बैठते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो गई, यह भवन जर्जर हो गया है और यही वजह है कि अगले वर्ष तक लखनऊ में नगर निगम के कामकाज के लिए एक नए मुख्यालय, नए कार्यालय की जो आधारशिला है उसके रखने की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है कि अगले वर्ष तक राजधानी लखनऊ में एक नया नगर निगम का मुख्यालय और कार्यालय खुलेगा। लखनऊ से सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी।